मन जो जिक्र कर रही थी कि वहाँ पे एक वाकया हुआ है और पे खवातीन की बेहरमती हुई है, ख्वाजा साद रफीक से जानते हैं कि उन तक क्या खबरें पहुंचे। जी ख्वाजा साहब, देखिए जी, गुजारिश ये है कि परवेज इलाही साहब कहते हैं, अभी मैंने सुना है उनको, कि दो बच्चियों को किसी ने अगवा कर लिया है। आगा कामिल ने एक और टीवी चैनल पर उनकी तादाद 6 कर दी है। इल्जाम तराशी लगाने करने से पहले सोचना चाहिए, अभी 15 दिन पहले इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था कि एक ताजर को मारा पीटा है, और जब उसका मेडिकल मांगा गया तो मेडिकल प्रोवाइड नहीं करे किया, फिर भाग गए। उस आदमी को, एक नशे वाला नशेई आदमी था, उसको वो जो ये हीरोइन पीते हैं, उसको इन्होंने वहां से अपने आप को जख्म लगाओ, वो उस जगह मौजूद ही नहीं था, उसको प्रोवाइड कर दिया। ये आदि हैं गुजरात के चौधरी साहिबान, इनका ब्रांड यही है, इश्तेहारी बदमाश इनके पास होते हैं। सारा दिन चौधरी परवेज राय सब सारा दिन PMLQ चीखती रही है, इन्हें क्या चीखना बंद करें। अगर इन्हें लड़ना पड़ गया इलेक्शन मेरिट के ऊपर तो अपनी शिकस्त को बर्दाश्त करें। हाँ, वो मानते ही नहीं है ना, अब ये लिमिट हो गई है कि जब मैं आपके साथ बैठ के और वो जिनके फैमिली के साथ हुआ है, वो अगर मीडिया में आके, उनमें इतनी जुर्रत है कि वो मीडिया में आके बता रही हैं, तो वो तो उसको टोटली जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो अब ये लिमिट हो गई है। मारवी का केस बड़ा कमजोर है, मैं उसको कुछ नहीं कहना चाह रही।